इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल से नया रेवोल्यूशन आ गया है। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच भी कर चुके हैं और उससे भी ज्यादा लोग ईवी पे स्विच होने का प्लान कर रहे हैं। उधर गवर्नमेंट भी ईवी मेकर्स को एनकरेज करने के लिए सब्सिडी दे रही है, लेकिन यहाँ पर ईवी मेकर्स जो है वो स्मार्ट प्ले करते नजर आ रहे हैं। कैसे, आज इस रिपोर्ट में यही आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर की कई कंपनीज पर एलिगेशन लगे हैं और गवर्नमेंट ने इसकी जांच भी करी। इसके लिए फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें सरकार ने चार कंपनीज ओला, एथर, टीवीएस मोटर और हीरो वीडा को जांच के घेरे में लिया है। इस मामले में सरकार ने कंपनी से सफाई मांगी है, क्योंकि इन कंपनीज के ऊपर फेम स्कीम के तहत 300 करोड़ की सब्सिडी का झूठा दावा किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो धांधली है वो कैसे की जा रही है। दरअसल फेम के तहत उन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए सब्सिडी का क्लेम नहीं किया जा सकता जिसका प्राइस 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। अब ये एलिगेशन लगे हैं कि एथर ओला ने सब्सिडी के लिए व्हीकल के प्राइस को तो कम रखा, लेकिन कस्टमर से अलग से चार्जर और सॉफ्टवेयर का बिल बनाया, जिसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट कस्टमर से लिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 12 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर की वजह से 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी रोक दी थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ फेम स्कीम के तहत 10 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, जहां पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट को सीधी तरह से देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज इसमें भी क्यों करप्शन कर रही हैं? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।